The luxurious furniture and home interior, like carpenter work, wardrobe, bed, kitchen, TV unit, POP, PVC ceiling, all type work available. Contact on 7709-829-950. सलीम भाई आ गया है, आ गया, आपकी बात जरूरत है। ये दुनिया चांद सितारों पे जा तो सकती है, किसी सितारे को दर्पा रहेगी ताज जमाने में करबला जब तक। बहुत आहिस्ते से शेर आका के चहने वालों शेर सुनो, अगर आपके हाफजे में है हदीस हुसैन, करबला पे हमले होते हैं, कभी सुना कभी मदीने पे हुए हैं, कभी सुना? जानते कि करबला को मिटा दो मदीना अपने आप मिट जाए। ये दुनिया लाख तरक्की की सीढ़ियां चले, मगर रसूल सी मेराज पाना पाएगी, रहेगी ताज जमाने में करबला जब तक, कोई भी आज मदीने पे आना पाएगी। दाइश से दाद आजा मेरे लिए सनद, रहेगी ताज जमाने में करबला जब तक, कोई भी आज मदीने पर आ ना पाएगा। घर में जो बैठे हुए हैं जिक्र मौला छोड़कर, घर में जो बैठे हुए हैं, घर में जो बैठे हुए भाईजान, अगर थोड़ा थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाए, मैं बार बार आवाज दे रहा हूं, जैसे वहां बैठे हुए थोड़ा सा भाईजान, मैं आपसे कह रहा हूं थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए, अच्छा नहीं लगता है। घर में जो बैठे हुए हैं, घर में जो बैठे हुए हैं जिक्र मौला छोड़कर, घर में जो बैठे हुए हैं जिक्र मौला छोड़कर, घर में जो बैठे हुए हैं जिक्र मौला छोड़कर, ढूंढते हैं हक का रास्ता, हक का रास्ता छोड़कर। घर में जो बैठे हुए हैं जिक्र मौला छोड़कर, ढूंढते हैं हक का रास्ता, हक का रास्ता छोड़कर, जब अजा खाने के अंदर आ नहीं सकते हो तुम, कैसे जन्नत जाओगे दामाने जहरा छोड़कर। घर में जो बैठे हुए हैं जिक्र मौला छोड़कर, ढूंढते हैं हक का रास्ता छोड़कर, जब अजा खाने के अंदर आ नहीं सकते हो तुम, कैसे जन्नत जाओगे दामाने सहरा छोड़कर। मान लेता मैं नबी की और भी थी बेटिया, क्यों ना आई बात की मैयत को। मान लेता मैं नबी की, आ जाएंगे सब, रफ्ता रफ्ता आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। देखिए जाहिर सी बात है कि एक बार वक्त दो घंटा ढाई घंटा बैठना मुश्किल होता है, इंसान की जरूरतें हैं जाती हैं, लेकिन सब आ जाएंगे, सारे सब बाहर मजमा है, गया कोई नहीं है। हमारे गालिब भाई भी यहीं कहीं हैं, गए नहीं है, हाँ गालिब भाई भी यहीं कहीं हैं, इंशाल्लाह। घर में जो बैठे हुए हैं जिक्र मौला छोड़कर, ढूंढते हैं हक का रास्ता छोड़कर, जब अजा खाने के अंदर आ नहीं सकते हो, कैसे जन्नत जाओगे दामाने जहरा छोड़कर। मान लेता मैं नबी की और भी थी बेटियां, क्यों ना आई बाप की मैयत पे हुजरा। मुझे आगाज यहां से करना था, लेकिन बस मैं आपके दिल और दिमाग की जमीन को हमवार करने के लिए मैंने कुछ इंतखाब नहीं किया था, उसका मैंने अर्ज करता हूं, सुने कि आज आमद अहमद मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, इसी महीने मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की, मौला जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, अर्ज करता हूं कि अंधेरे कुफर के छाए थे सारी दुनिया में, अंधेरे कुफर के छाए थे सारी दुनिया में, सरकार अंधेरे कुफर के छाए थे सारी दुनिया में, अंधेरे कुफर के छाए थे सारी दुनिया में, खुदा के नूर यूं आते रहे जमाने में,
सीना की नोक से ऐसा चराग हक का जला, हवा भी हो गई शामिल दिए जलाने। अंधेरे कुफर, आजा भैया आजा, थोड़ा थोड़ा सा आगे आते जाओ। अंधेरे कुफर के छाए थे सारी दुनिया में, खुदा के नूर भी वो आते रहे जमाने में। सिन्हा की नोक से ऐसा चिराग हक का जला, हवा भी हो गई शामिल, हवा भी हो गई शामिल दिए जलाने में। जमी पे अरसे बरी का वकार आता है, मौलायो शेर सुनो, जमी पे अरसे बरी का वकार आता है, दुआए नूर पे होकर सवार आता है। छुरी को छीन लो हर वक्त की जुलेखा से, जहां में हुस्न का परवर दिखा। छुरी को छीन लो हर वक्त की सुलेखा से। गालिब भाई यहाँ है, यहाँ पे आपकी जुगाल जाएंगे, आ जाइए इधर आ जाइए। मैं समझ रहा था आप कहीं नहीं गए, यहीं हैं, बगैर हमें सुने जाएंगे नहीं। जहां में हुस्न का, जहां में हुस्न का परवरदिगार आता है, जहां में हुस्न का परवरदिगार आता है, हर जिंदगी जमीन के सीने में रह गई। हर जिंदगी, गालिब भाई मिश्रा सुनिए, हर जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, फिजा कनीज बन के मदीने में रह गई। हर जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, फिजा कनीज बन के मदीने में रह गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ का मिल गया, खुशबू मेरे नबी की पसीने में रह गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी की, खुशबू मेरे नबी की। एक मिसरा हुआ था अभी, उस्ताद राजवेली का मिसरा था, डॉक्टर नया भल्लोरी साहब का, कि अली की पांचवीं तस्वीर चल के देखते हैं। अली की पांचवीं तस्वीर, शायद मैं मिसरा सुनूं, पहली बार बॉम्बे में पढ़ रहा हूं, आया हूं तो रजब से कई बार यहां पर पांचवा चक्कर है छठा चक्कर। अली की पांचवीं तस्वीर चल के देखते हैं, मतलब अर्ज करता हूं सुनो, कि चलो इमाम की महफिल में चल के देखते हैं, चलो इमाम की महफिल में चल के देखते हैं, फलक नशीनों में कुछ देर पल के देखते हैं। शारिया मौसम, मौसम भैया आ गया, चलो इमाम की महफिल में चल के देखते हैं, चलो इमाम की महफिल में चल के देखते हैं, फलक नशीनों में कुछ देर सगर, फलक नशीनों में कुछ देर पल के देखते हैं। जो कब्रे अहमद मुरसल, जो कब्रे अहमद मुरसल संभल के देखते हैं, ये बिदअती उन्हें पहलू बदल के देखते हैं। जो कब्रे अहमद मुरसल संभल के देखते हैं, ये बिदअती उन्हें पहलू बदल के देखते हैं। दरे बतूल की संजीव सरकार आज दरे बतूल की, दरे बतूल की शेर अली भाई शेर सुनिए, दरे बतूल की शेर सुनिए, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई के शेर सुनिए, दरे बतूल की मौलायो इंशाल्लाह बहुत मौजूद है। दरे बतूल की जंजीर खटखटाने में अजल के रुख पर पसीने अजल के देखते हैं। दरे बतूल की जंजीर खटखटाने में अजल के रुख पे पसीने, अजल के रुख पे पसीने अजल के देखते हैं। अली के इल्म मुबारक को जाहिलाने अरब मुनाफिकों की तरह हाथ मल के देखते हैं। अली के इल्म मुबारक को जाहिलाने अरब मुनाफिकों की तरह हाथ मल के देखते हैं। अली के इल्म को कैसे भला वो समझेंगे जो रात दिन ये रिसाले गजल के देखते हैं। अली के इल्म को कैसे भला वो समझेंगे जो रात दिन ये रिसाले, जो रात में जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं बहुत शोरक फेरी तवील है, जो रात दिन ये रिसाले गजल के देखते हैं। नबी का होता है धोखा मदीने वालों को, जिधर भी हजरत अकबर निकल के देखते हैं। नबी का होता है धोखा मदीने वालों, नबी का होता है धोखा मदीने वालों,
जिधर भी हजरत अकबर निकल के देखते, मिटा ना पाए निशाने हरम जो काबे से, वो ख्वाब आज भी जंगे जमल के देखते। मिटा ना पाए निशाने हरम जो काबे से, वो ख्वाब आज भी जंगे जमल के देखते हैं। दहाव शेर की सुनकर कहा ये मौजों ने, दहाव शेर की सुनकर कहा ये मौजों ने, अली की बोलती तस्वीर चल के देखते हैं। अरे आका अब्बास के चाहने वालों, देखिए सब माशाल्लाह रफ्ता रफ्ता आ रहे हैं। मैं दहाव शेर की सुनकर कहा ये मौजों ने, अली की बोलती तस्वीर चल के देखते हैं। अली की बोल की तस्वीर चल के देखते हैं। एक एहसास का शेर सुना रहा हूं। आज 30-35 साल 40 साल पहले जो हमारे यहां रजब मुबारक में 28 सफर के जुलूस निकलते थे, तो वो दूर दराज से 7-8 किलोमीटर के सफर तय करके आते थे। तो उस वक्त मई जून का महीना हुआ करता था, तो जो आलम्बरदार होता था वो जिसे थक जाता था, तो उस वक्त आलम को सलामी देने की रवायत नहीं था, हमारे यहाँ रवाज नहीं था, तो आलम को दरख्तों से खड़ा कर दिया जाता था, वो सूखे सूखे शजर उनसे खड़ा कर चेले में शेर कि आलम जरी का टिकाया, बहुत आहिस्ते से शेर पढ़ रहा हूं, आलम जरी का टिकाया था जिनकी शाखों पर, आलम जरी का टिकाया था जिनकी शाखों पर, शजर वो सूखे हमें फूल फल के देखते। अरे काश थोड़ा सा बेदार हुए, थोड़ा सा अलम जरी का टिकाया था जिनकी शाखों पर। मैं आपके दिल और दिमाग की जमीन हमवार करने के लिए सारे शेर सुना रहा हूं। अलम जरी का टिकाया था जिनकी शाखों पर, शजर वो सूखे हमें फूल फल के देखते हैं, शजर वो सूखे हमें फूल फल के देखते हैं। न जाने कैसी कशिश है जरी के परचम में, के रोते बच्चे भी इसको बहल के देखते हैं। रोते बच्चे भी इसको पहल के देखते हैं। जरिया मौलाइयों शेर सुनो, आखिरी सिलसिले के शेर, जरियत शाह की सरकार, जरियत शाह की जियारत के बाद कहा चलो जरा हुसैन की जन्नत टहल के देखते हैं। आलम जरी का टिकाया था जिनकी शाखों पर, शजर वो सूखे हमें फूल फल के देखते हैं। न जाने कैसी कशिश है जरी के परचम में, के रोते बच्चे भी इसको पहल के देखते हैं। जरिए शह की जियारत के बाद ताज चलो जरा हुसैन की जन्नत, जरिए शह की जियारत के बाद ताज चलो जरा हुसैन की जन्नत टहल के देखते हैं। नोहे अगर ना होते जो लैला के लाल के, अली मैं शेर सुना सरकार, नोहे अगर ना होते जो लैला के लाल के, मिट जाते कायनात से नगमे बिलाल के, काबे के मिसल होती ना खाके शिफा, अगर रखते ना जा नमाज में आप संभाल के। अरे थोड़ा सा जुड़ जाए मैं शेर सुनाऊंगा, थोड़ा सा सुन ले सरकार, मौलाइयों मुझे एक शेर सुना रहा है, दो शेर के बाद वो शेर आता है। एक शेर मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम के हवाले सुनाना है, नोहे अगर ना होते जो लैला के लाल के, मिट जाते कायनात से नजमे बिलाल के, काबे के मिसल होती ना खाके शिफा, अगर रखते ना जा नमाज में आबिद संभाल के, क्या मजलिसे हुसैन है ये जानते ना हम, माँ बाप कर खिलाते ना लुकने हैदर।
लैला के लाल के मिट जाते कायनात से नगमे बिलाल के। काबे के मिसल होती न खाके शिफा अगर रखते न जा नमाज में आबिद संभाल के। क्या मजलिसे हुसैन है ये जानते न हम, माँ बाप घर खिलाते ना। सलामत रहे, माहौल फिर से वैसे ही हो गया है। क्या मजलिसे हुसैन है, जुल्फकार भी अच्छे सुनो। क्या मजलिसे हुसैन है ये जानते ना हम, माँ बाप घर खिलाते ना लुकमे हलाल के। सीने से अपने तोड़ के नैजे की अंजुमन, सीने से अपने तोड़ के नैजे की अंजुमन, जौहर दिखाए दस्त में उसने कमाल। भलाइयों बस ये शेर आ गया आखिरी। सीने से अपने तोड़ के नैजे की अंजुमन जौहर, भाइयों इंसाफ कीजिएगा शेर। सीने से अपने तोड़ के नैजे की अंजुमन जौहर दिखाए दस्त में उसने कमाल के। दीले खुदा के वास्ते दस्ते हुसैन पर अकबर ने रख दिया है कलेजा लिखा। बच्चों का साथ दीजिएगा, बच्चों का साथ। क्या मजलिसे हुसैन है ये जानते ना, माँ बाप घर खुलाते ना लुकमे हलाल के। सीने से अपने तोड़ के नैजे की अंजुमन जौहर दिखाए दस्त में उसने कमाल किया। दीने खुदा के वास्ते दस्ते हुसैन पर अकबर ने रख दिया है, अकबर ने रख दिया है, अकबर ने रख दिया है कलेजा निकाल के बादल गमे हुसैन के आशूर की कसम। बादल गमे हुसैन के आशूर की कसम, बरसे हैं इस तरह से कि पत्थर पिघल गए। मैं बहुत आहिस्ते से शेर पढ़ जा रहा हूं। बादल गमे हुसैन के आशूर की कसम, बरसे हैं इस तरह से कि पत्थर पिघल गए। जो कह रहे थे मातम शब्बीर को हराम, अशकों की बारिशों से बदन उनके जल गए। आपकी तगन का एहसास है, मैं दोनों हाथों में हाय दर हाय। बादल गमे हुसैन के आशूर की कसम, बरसे हैं इस तरह से पत्थर पिघल गए। जो कह रहे थे मातम शब्बीर को हराम, अशकों की बारिशों से बदन, जो कर्बोवला आज मिटाने पे तुले हैं। बिस्मिल्लाह की थी मैंने कि चिरागे इश्क को दुनिया बुझा ना पाएगी, रहेगी ताज जमाने में कर्बला जब तक कोई भी आज मदीने पे आ ना पाएगी। मतलब अर्ज करता हूं सुने, बहुत इंसाफ से आप सुन रहे हैं, खुदा आपकी सलाम रखे आपको, कि जो कर्बोवला आज, बड़ी हसास शायरी है मौलाई, जो कर्बोवला आज मिटाने पे तुले हैं, खुसूसन सानी मिसरे पे दाद चाहता हूं। जो कर्बोवला आज, जो कर्बोवला आज मिटाने पे तुले हैं, जो कर्बोवला आज मिटाने पे तुले हैं, वो चांद को पत्थर से गिराने पे तुले। काश थोड़ा सा माहौल बना ले, काश थोड़ा सा माहौल। मिटाने पे तुले हैं, वो चांद को पत्थर से, वो चांद को पत्थर से। पढ़ा लिखा मजमा, बहुत आहिस्ते से शेर। जो कर्बोवला आज मिटाने पे तुले हैं, वो चांद को पत्थर से गिराने पे तुले हैं। नादान है, नादान है,
जल जाएंगे अश्कों की तपिश से, सूरज को हथेली से छुपाने। आप लोगों का सहज है, जो कर्बोबला आज मुझे मालूम है आपको रूह ही से खुशियों के साथ दे रही है, जो कर्बोबला आज मिटाने पे तुले हैं, देख लीजिए गाली भाई पूरा माहौल वैसे बन गया। जो कर्बोबला आज मिटाने पे तुले हैं, वो चांद को पत्थर से गिराने पे तुले हैं, नादान है जल जाएंगे अश्कों की तपिश से, सूरज को हथेली से छुपाने पे तुले हैं, सूरज को हथेली से छुपाने पे तुले हैं, नफरत है जिन्हें नूह की कश्ती से जहां में घर अपना वो पानी पे बनाने पे तुले हैं। जवानों तमसील सुन लीजिए, और नफरत है जिन्हें नूह की कश्ती से जहां में घर अपना वो पानी पे बनाने पे तुले हैं, गरकाब जहां हो गए बायत के सपीने, कागज की वहां नाव चला। इस सिलसिले का आखिरी शेर, गरकाब जहां हो गए इंसाफ कीजिएगा, गरकाब जहां हो गए बायत के सफीले, कागज की वहां नाव चलाने पे तुले हैं, उन लोगों का अंजाम भी सद्दाम सा होगा, अमरीका से जो हार। उन लोगों का अंजाम भी सद्दाम सा होगा, उन लोगों का अंजाम भी सद्दाम सा होगा, अमेरिका से जो हाथ मिलाने पे तुले हैं। बस आखिरी में चोरा फिरिस बहुत कबील है, आखिरी में एक मतलब चंद शाद करके, बहरहाल भाई पहले मजे हमारे भाई का हुक्म है, एक मतलब तीन चार से सुन ले। मिसरा हुआ था कि गमे हुसैन कहाँ और मुनाफिकीन कहाँ, गमे हाँ अख्तर भाई का भी था, गमे हुसैन कहाँ, गमे हुसैन कहाँ और मुनाफिकीन कहाँ, कि बिलाली सीन कहाँ और हमारी शीन कहाँ। बिलाली सीन कहाँ और हमारी शीन कहाँ, वो आसमान कहाँ और ये जमीन कहाँ। शेर पढ़ा था आपके भाई ने, पीछे तक के दाद आनी चाहिए थी। बिलाली सीन कहाँ और हमारी शीन कहाँ, वो आसमान कहाँ और ये जमीन कहाँ, जो हौसलों को बढ़ाते थे फर्शे महफिल पर, मेरे दयार में अब ऐसे सामाइन कहाँ। जो हौसलों को बढ़ाते यहां से एक मतला एक शेर मैंने पढ़ा, यहां से शेर सुनो। बिलाली सीन कहां और हमारी सीन कहां, वो आसमान कहां मौलायो, शेर सुनो। जो हौसलों को बढ़ाते थे फर्श महफिल पर, मेरे तैयार में अब ऐसे सामाइन कहां, पूरे एक पल में अलैहिस सलाम बन के उठा, वो जानता था झुकानी है ये जमीन। और एक पल में अलैहि सलाम बन के उठा, वो आके देख ले अकबर के सिर्फ नक्शे कदम, जो कह रहे हैं कि यूसुफ साहब हसीन कहां। अफसर भाई अख्तर भाई आपका शेर आ रहा है, शेर सुने। वो आके देख ले अकबर के सिर्फ नक्शे कदम, सलीमा शेर सुनो। जो कह रहे हैं कि यूसुफ साहब हसीन कहां, गिरा के झूले से खुद को कहा ये अक्सर ने, हमें पता है उलटती है आपकी। हाँ
गिरा के झूले से खुद को कहा ये असगर ने, हमें पता है उलटनी है आस्तीन कहां। ये बात खुद तुम्हें करबला बताई गई। पढ़ा लिखा मजमा सानी मिश्रा बहुत आहिस्ते से, बस इस कलाम के लिए मैंने अपनी पूरी जान रोक रखी है। ये बात खुद तुम्हें करबला बताई गई कि बाद मरने के रहते हैं जायरीन कहां। ये बात खुद तुम्हें करबो बला बताई कि बाद मरने के रहते हैं हमारी ये बात खुद तुम्हें करबो बला बताई कि बाद मरने के रहते हैं जायरीन कहां। हमारी आग का आंसू है सैयदा के लिए, ना पूछ हमसे ये जाते मुसाफिरीन। हमारी आग का आंसू है सैयदा के लिए, ना पूछ हमसे ये जाते मुसाफरीन का। आका जादी के चहने वाला शेर सुनो, ना पूछ हमसे ये जाते मुसाफरीन कहा। ये फैसला तो फकत फातिमा ही करती है, करेगा आपकी आजादार अरबाइन का। आपकी तगन का एहसास हो रहा है मुझे, ये फैसला तो फकत फातिमा ही करती है, करेगा आपकी आजादार, करेगा आपकी आजादार। आहिस्ते से शेर सुनिए, उसके बाद एक शेर, उसके बाद मैं सलाम बस चार पांच शेर में पढ़ लूंगा। बुझा दे माले गनीमत के जो चरहगों को, अली के जैसा जहां में कोई अमीन। सब बोलेंगे आखिरी सब तक के हाथ उठेगा इस शेर में। बुझा दे अख्तर भाई शेर सुनिए, बुझा दे माले गनीमत के जो चरागों को, अली के जैसा जहां में कोई अमीन। कहा गदीर ने हरत सकीबा जादे से, हमारे बारह कहा और तुम्हारे तीन कहा। बुझा दे माले गनीमत के जो चिरागों को, अली के जैसा जहां में कोई अमीन कहा। बुझा दे माले गनीमत के जो चिरागों को, अली के जैसा जहां में कोई अमीन कहा। यह फैसला तो फकत फातिमा ही करती है, करेगा आपकी आजादार अरबईन कहा। यह बात खुद तुम्हें करबो बला बताएगी के बाद मरने के रहते हैं जायरीन कहां। हर एक पल में अलैहि सलाम बन के उठा, वो जानता था छुपानी है ये जमीन कहां। कहा कदीर ने हर एक सखीबा जादे से, हमारे बारह कहा और तुम्हारे। मतला अर्ज करता हूं बस आखिरी कलाम, एक मतला चंद शेर मैं अपनी जगह। खुदा आपके ईमान को भी सलामत रखे। हमेशा रहेगा आजादारों के पैरों पर हमारे जिंदगी का ताज, हमारी जिंदगी का ताज आपके कदमों में है। अर्ज करता हूँ सुने, एक मिसरा हुआ था कि बोसक में फातिमा के गुनहगार जाएंगे, ये आजम का मिसरा था मुबारकपुर का। दोसक में फातिमा के गुनहगार जाएंगे, इंसाफ कीजिएगा। मतलब अर्ज करता हूँ कि मेराज पर जो अहमद मुख्तार जाएंगे, रोके हुए जमाने की रफ्तार जाएंगे। मैं बहुत जल्दी शेर पढ़ गई, तीन चार पांच शेर सुनाने हैं मुझे। मेराज पर जो अहमद मुख्तार जाएंगे, रोके हुए जमाने की रफ्तार जाएंगे। पढ़ा लिखा मजमा शेर अर्ज करता आपका भाई। मेराज पर जो अहमद मुख्तार जाएंगे, रोके हुए जमाने की रफ्तार जाएंगे, जिस जश्न में बतूल के सरकार जाएंगे, पहले वहां भी हैदरे कर रहा है।
जिस जश्न में बतूल के सरकार जाएंगे, पहले वहां भी हैदर है। ये फैसला भी आमदे जहरा पे हो गया। अभी जन्नत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, ये फैसला भी आमदे जहरा पे हो गया। जन्नत में सिर्फ हुर से समझदार नहीं। अरे यार जवानों, ऐसे हाथ धर के बैठोगे। अम्मा भाई थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सिमट आओ। मैं निजामत भी करता हूँ पढ़ते पढ़ते। ये फैसला भी आमदे जहरा पे हो गया। जन्नत में सिर्फ हुर से समझदार जाएंगे। जो कश्तिये बतूल पे बैठे हैं बादब, इस पार से फकत पही उस पार जाए। जो कश्तिये बतूल पे बैठे हैं बादब, इस पार से फकत वही उस पार जाएंगे। मौलाइयो शेर सुनो, चोरा से भी और उलमा इकराम से भी खुसूसन शेर पे। मौलाइयो शेर सुनो, जो कश्तिये बतूल पे बैठे हैं बादब, इस पार से फकत वही पहलू में मुस्तफा के जो बैठे थे कल तलक, क्या थी खबर वो बागे थी तक मार जाएंगे। बोगज़े अली है घर तो खराबी जरूर है। ये मेरे लिए सुनन है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई शक करेगा तो खुद हरामी रहे। पूरे दावे के साथ और पूरी 1400 साल की तारीफ, कुरान, हदीस, 14 मासूमीन, सारे जितने अकवाल हैं और आज तक, आज की महफिल तक दावा कर रहा हूं। बहुत तवज्जो चाहता हूं कि ये शेर पहुंचना चाहिए हर जगह, और ये खुद हमारा शेर है कि बोगज़े अली है घर तो खराबी जरूर है, बुद्ध को पढ़ा दे जुमा शराबी जरूर है। सरकार की सेहत और सलामती के लिए दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगाइए, जो नजफे असरफ तक जाए आपके लिए, उलमा इकराम के लिए, शोरा इकराम के लिए, आपके आबा अजदाद के लिए दुआ करके आए। दोनों हाथों को बुलंद करके अगला हाजरी। भाई बोगज़े अली है घर तो खराबी जरूर है, बुद्ध को पढ़ा दे जुमा शराबी जरूर है। और जिसने भी फातिमा का जलाया था घर शबाब, वो बदनसीब जहां में हरामी जरूर। जिसने भी फातिमा का जलाया था घर शबाब, वो बदनसब जहां में हरामी जरूर है। और खुदा के नाम से वाकिफ बराए नाम है लोग, खुदा के नाम से वाकिफ बराए नाम है लोग, मगर रसूल की दावत पर तेज काम है लोग। अगर ना होता एहतमाम तुलशीरा का, पता ना चलता के कितने नमक हराम है लोग। जो है
सबसे ज्यादा इनकी तारीफ यह है कि माशाल्लाह ये ताज के लिए भी ताज है। सरकार ने जिनका जिक्र किया है उनका थोड़ा सा मैं आपको चेहरा दिखा देता हूँ। सरकार ने जिनका जिक्र किया है मैं अपनी शायरी के हवाले से उनका चेहरा दिखाता हूँ। यह है कौन था हाथ जिनका भी बागे फिदक की चोरी में, था हाथ जिनका भी बागे फिदक की चोरी में, है नाम आज भी उनका हराम खोरी में। था हाथ जिनका भी बागे फिदक की चोरी में, है नाम आज भी उनका हराम खोरी में। यही थे माले गनीमत की जोरा जोरी में, बंधे हुए हैं ये लानत की एक डोरी। एक बंद सुनाना सलीम भाई आखिरी का। था हाथ जिनका भी बागे फिदक की चोरी में, है नाम आज भी उनका हराम खोरी में। यही थे माले गनीमत की जोरा जोरी में, बंधे हुए हैं ये लानत की एक डोरी में। ये लोग सारे हैं शैतान किसी के भाई नहीं, करे ना इन पे जो लानत वो मुस्तफाई। ये कौन लोग हैं सरकार की नुमाइंदगी करते हुए? ये कौन लोग सुने, ये कौन लोग सुने? ये जायरों को सरे करबला सताते हैं। तवज्जो दीजिएगा आखिरी सब तक। ये जायरों को सरे करबला सताते हैं, ये अब भी आले मोहम्मद का घर दिलाते हैं। ये जायरों को सरे करबला सताते हैं, ये अब भी आले मोहम्मद का घर जलाते हैं। ये अपने जद का हर एक जुल्म आजमाते हैं, लहू ये पीते हैं अब तक जिगर। बोलाइए बात सुनो, मुझे मालूम है आप मुझे कैसे दाद देंगे इस बात पे। ये जायरों को सरे करबला सताते हैं, ये अब भी आले मोहम्मद का घर जलाते हैं, ये अपने जद का हर एक जुल्म आजमाते हैं, लहू ये पीते हैं अब तक जिगर चबाते हैं। यजीद बाप है, सुफियान इनका हाथी है, हराम साथी वो जिंदा है। माहौल बदल गया ना, जो कश्ती है बतूल पर बैठे हैं बात अब इस पार से फकत वही उस पार जाएंगे। पहलू में मुस्तफा के जो बैठे थे कल तलक, क्या थी खबर वो बागे फिदक। अब पांच शेर हैं, सिर्फ पांच शेर, बहुत मोहब्बत से सुना। आप सब वापस आ गए, मेरी गर्दन पे आपका एहसान, शोरा हजरात की गर्दन पे आपका एहसान। बहुत दूर दराज से सफर गए, साथ साथ आठ आठ दोस्त के जुड़े हैं शब्द उसके, हमारे करीम भाई भी, हमारे शबी साहब भी, उस्ताद शहजाद गुलरेज साहब भी, दीगर और भी शोरा। इंशाल्लाह सुनेंगे आप, बहुत महसूस होंगे क्योंकि तो महफिल एक से एक शायर बाकी हैं। मैं तो परेशानी कर रहा हूँ उनकी माहौल बनाने के लिए। तालिब भाई क्या थी खबर, पांच शेर हैं यहां से छह शेर। क्या थी खबर वो बागे फिदक, मार जाएंगे दोजक बना के रब ने फरिश्तों से ये कहा, इसमें फकत कदीर के गद्दार जाएंगे। काश थोड़ा सा, काश थोड़ा सा जुड़ जाए, काश थोड़ा सा। दोजक बना के रब ने फरिश्तों से ये कहा, इसमें फकत दोजक बना के रब ने फरिश्तों से ये कहा, इसमें फकत कदीर के गद्दार जाएंगे। तू पढ़ रहा है भूसे अली ने अगर नमाज, सजदे भी देखना तेरे बेकार जाएंगे, सजदे भी देखना तेरे, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं भूसे, सजदे भी देखना तेरे बेकार जाएंगे। ये फैसला शहादत मोहसिन पे हो गया। क्या फैसला हुआ मौलाइयों से? ये फैसला शहादत मोहसिन पे हो गया, बोझक में फातिमा के गुनहगार। ये फैसला शहादत मोहसिन पे हो गया, दोजक में फातिमा के गुनहगार जाएंगे। दिल से जो खटखटाएंगे दरवाजे बतूल, हर साल करबला वही जवाब जाएगा।
यही तो है कि आहिस्ते से पढ़ोगे तो आप आहिस्ते से सुन लेते हैं। बड़ा कीमती शेर है, दिल से जो खटखटाएंगे दरवाजा है बतूल, हर साल करबला वही जवार जाएंगे, मौला मैं क्या करूं मुझे रोके है मुफलिसी। आप सबकी जानिब से हमने देखा, मुताला किया है, लोग अपनी जिंदगी में पैसे जोड़ते हैं लेकिन घर की जरूरतें, जिंदगी के भी, बाप की तबीयत खराब होगी, कभी माँ की, कभी बहन की शादी, उसको इसी को करबला की ज्यारत और हज समझ लेते हैं, नहीं जा पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सन 88 में हज भी कर चुका हूँ, कई उम्रे भी कर चुका हूँ, करबला की भी ज्यारत कर चुका हूँ। एक बस उन लोगों की जानिब से ये शेर मैंने कहा है कि दिन से जो खटखटाएंगे दरवाजा है बतूल, हर साल करबला वही सवार जाएंगे, मौला मैं क्या करूं मुझे रोके है मुफलिसी, हर साल सोचते हैं कि इस बार जाएंगे, मौला मैं क्या करूं, इंसाफ करना। मैंने बहुत जल्दी में शेर सुना दिया, दिल से जो खटखटाएंगे दरवाजा है बतूल, हर साल करबला वही जवार जाएंगे, मौला मैं क्या करूं मुझे रोके है मुफलिसी, हर साल सोचते हैं कि इस बार जाएंगे, जाने दिया ना मौत ने मुझको अगर नजब, कर ले अली के कब्र में की जाने दिया ना मौत ने मुझको अगर नजब, कर ले अली का कब्र में। मैं सारे शेर छोड़ते, बस तीन शेर का वादा किया था, इस शेर के बाद करने अली का कब्र में दीदार जाएंगे, करने अली का कब्र में दीदार जाएंगे, जहनों में जिनके खेमे शह का चराग है, महफिल से उठ के वो ना आजादार जाएंगे, जहनों में जिनके खेमे शह का चराग है, महफिल से उठ के वो ना आजादार जाएंगे, जिंदा रहेंगे शाह के अंसार बस वही, गर्दन पे अपनी रख के जो तलवार, जिंदा रहेंगे शाह के अंसार बस वही, गर्दन पे अपनी रख के जो तलवार जाएंगे, सुफियानियत के जुल्म का खैबर उखाड़ने, मख्तल तो शाम आदिश दिमाग, सुफियानियत के जुल्म का खैबर उखाड़ने, मख्तल तो शाम आदिदे, मख्तल तो शाम आदिदे बीमार जाएंगे, छिन जाएंगी यजीद की आजादियां सभी, सज्जाद कैद होकर जो दरबार। आखिरी शेर बनाइयो, आखिरी शेर, आखिरी शेर मौलाइयो, आखिरी शेर, सज्जाद कैद होकर, सज्जाद कैद होकर जो दरबार जाएंगे, छिन जाएंगी यजीद की आजादियां सभी, सज्जाद इंसाफ कीजिएगा आखिरी शेर पे, आखिरी सब तक, सज्जाद कैद होके जो दरबार जाएंगे, आता भी कैसे शाम से, करबो बला यजीद पहले से जानता था कि हम अरे बच्चों का साथ दिया करिए यार, नारा लगाओ बेटा, पहले से जानता था आता भी कैसे शाम से, करबो बला यजीद पहले से जानता था। मक्ते का शेर आखिरी बहुत आहिस्ते से, मुझे मालूम है बड़ा बाफा है, मजमा है मेरे सामने, शेर अगर होता है तो दाद दी जाती है कि जाऊंगा मैं भी बाद में, ऐताज है यकीन पहले से जानता था कि हम हार जाएंगे, जाऊंगा मैं भी बाद में, ऐताज है यकीन जन्नत तो पहले मेरे ही अशार जाएंगे।